इसे आप लोग जाल क्यों कहते हो? इसे हम लोग मजबूरी कहेंगे। बाप भाई वहाँ पे बीमार है तो लड़के को किसी भी तरीके से पैसे कमाने ही पड़ेंगे। तो फाइनली यहाँ पे जाल वेब सीरीज का हम लोगों को ट्रेलर देखने को मिल गया प्राइम प्ले के ऐप पर। अब ट्रेलर कितना अच्छा है और सीरीज कितनी अच्छी होने वाली है, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देख लो, एक साथ इतनी सारी एक्ट्रेस आप लोगों को इस सीरीज में नजर आ रही हैं, फिर भी अगर आप लोगों को शिकायत है इस सीरीज से तो भाई मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। सीरीज में आप लोगों को जॉनिता डिक्रूज देखने को मिल रही हैं, तृप्ति बेहरा देखने को मिल रही हैं, इस एक्ट्रेस को भी आप लोग जानते हो प्रिया रॉय, उसके बाद फिर एक नई एक्ट्रेस है, इनको आप लोग नहीं जानते लेकिन तीन को जानते हो, और भाई ये तीनों की तीनों एकदम जहर एक्ट्रेस है। जब ये तीनों एक्ट्रेस एक साथ सीरीज में नजर आ रही है तो भाई यहाँ पे सीन से आप लोग अच्छी खासी उम्मीद कर सकते हो। वैसे भी प्राइम प्ले अभी फिर से वापस फॉर्म में आ गया है तो इस सीरीज में हम लोगों को होप कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करें यहाँ पे सीरीज की स्टोरी की, तो सीरीज की स्टोरी यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लग रही है। सीरीज की स्टोरी में आप लोगों को एक लड़का देखने को मिलेगा जिनके फादर को हार्ट अटैक आया है। अब इसी हार्ट अटैक के चक्कर में भाई ये पूरी तरीके से फंस गया है। इसे जरूरत है ढेर सारे पैसे की जिससे अपना ये फादर का इलाज करवा सके। अब ये वो काम करने की कोशिश कर रहा है जिससे पैसे तो मिलेंगे लेकिन समाज से इज्जत चली जाएगी। लेकिन लड़का इस काम को करने से पहले 10 बार सोच रहा है अब ये काम किस तरीके का है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लड़का पैसा जमा कर पाएगा या फिर नहीं, ये जानने के लिए गाइस आप लोगों को सीरीज को देखना होगा। सीरीज को इस फ्राइडे ही रिलीज कर दी जाएगी प्राइम प्ले के ऐप पर, और हो सकता है इस सीरीज में आप लोगों को 5 या फिर 6 एपिसोड देखने को मिले। एक बार फिर से हम लोगों को जॉनिता डिक्रूज प्राइम प्ले के ऐप पर देखने को मिल रही है। देखना चाहता हूं इस बार इनका परफॉर्मेंस इस सीरीज में जाता कैसा है। दिक्कत लेने वाली बात नहीं है गाइज, रिव्यू में लेकर फ्राइडे के दिन पहुंच जाऊंगा और बता दूंगा ये आपके लायक बनी है या फिर नहीं। तो बस ये था वो छोटा सा रिव्यू जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं आप लोगों से किसी अपनी अगली वीडियो में।